हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम बनाते हैं कुछ इजी डिप जो आप डिप की तरह यूज़ कर सकते हैं, रायते की तरह यूज़ कर सकते हैं और ये बहुत ही झटपट और बहुत ही टेस्टी बनता है। और इसमें जो आज सीक्रेट इंग्रेडिएंट है वो है पम्पकिन। तो इसको बनाने के लिए हमें चाहिए 1 कप पम्पकिन, 1 कप दही, थोड़ा सा दूध अराउंड 1/4 कप, थोड़ा सा हरा धनिया और कटी हुई मिर्च, फिर कुछ मसाले भी चाहिए, वो हैं थोड़ा सा नमक, काला नमक, पुदीना पाउडर, लाल मिर्च पाउडर, थोड़ा भुना जीरा और थोड़ी सी शक्कर। तो इसको बनाने के लिए सबसे पहले हम पैन में गरम पानी करते हैं। जब पानी गरम हो जाएगा उसमें डालेंगे हम ग्रेटेड पम्पकिन। आप चाहें तो इसको छोटे टुकड़ों में काट के और फिर डाल सकते हैं, अगर आपको ग्रेट नहीं करना है तो। फिर एक बोल में लेते हैं हम थोड़ा सा दही अराउंड 1 कप, उसको मैंने अच्छे से मिक्स कर लिया है ताकि कोई लम्ब्स और कुछ ना रहे। उसमें मैं डालूंगी ये बॉइल्ड किया हुआ पम्पकिन, तो मैंने पानी में से इसको निकाल लिया है और फिर ठंडे पानी से इसको स्ट्रेन किया है ताकि थोड़ा गर्म ना हो और रूम टेम्परेचर पे हो जाए। तो इसको मैं डाल लेती हूँ अपने दही के अंदर और फिर करेंगे हम इसको अच्छे से मिक्स। ये रायता मेरे बच्चे जो बिल्कुल पम्पकिन खाते नहीं हैं उन्हें बहुत पसंद है, तो आप भी ट्राई कीजिए और बताइए मत इसमें पम्पकिन है, बड़ा टेस्टी लगता है। अब मैंने डाला है 1/4 कप दूध। दूध से ये बहुत अच्छा और क्रीमी लगता है। अगर हम इसमें पानी डाल के इसको मिक्स करते हैं तो इतना मज़ा नहीं आता जितना आप दूध से ट्राई कीजिए। अब मैंने डाला है थोड़ा सा नमक आपके स्वाद के अनुसार, थोड़ा सा भुना जीरा वो भी अराउंड 1/4 टीस्पून, थोड़ी सी लाल मिर्च, अगर आप तीखा नहीं खाते हैं तो ये स्किप कर सकते हैं, थोड़ा सा काला नमक चुटकी भर, इससे बहुत अच्छा टेस्ट आता है, और थोड़ी सी शक्कर। ये एक टिप है, अगर आपका दही आपको खट्टा लगता है तो उसमें थोड़ी सी शक्कर डालें, उससे बहुत अच्छा टेस्ट आता है। अब लास्ट में मैं डाल रही हूँ इसमें हमारा बारीक पिसा हुआ पुदीना, ड्राई पुदीना। अगर आपके पास फ्रेश मिंट है तो वो बहुत अच्छा लगता है, लेकिन इस वक्त मेरे पास ड्राई पुदीना है। और फिर मैं डालूँगी इसके अंदर थोड़े से बारीक कटा हुआ ग्रीन चिली और थोड़ा सा कोरिएंडर। इससे एक अलग सी फ्रेशनेस आती है जो रायते या डिप को बहुत अच्छा टेस्ट देती है। बस इन सबको मैंने किया मिक्स और हमारा रायता है रेडी। बस इसको सर्व करने के लिए मैंने इसको एक बोल में निकाला है छोटे से, बस अब इसको जल्दी से सर्व कर लेते हैं। ये निकाला मैंने सर्विंग बोल में, उसको गार्निश किया है थोड़ा सा कोरिएंडर और चिली और फिर ऊपर से डाला है भुना जीरा। आप भी ज़रूर ट्राई कीजिए और हमें बताइए आपको कैसा लगा। ये एक बहुत ईजी रेसिपी है, बहुत क्विक है और आई एम श्योर बच्चों को बहुत पसंद आती है। मेरे घर में तो वन ऑफ द फेवरेट्स है। तो ज़रूर हमें कमेंट्स कीजिए और डू सब्सक्राइब टू आवर चैनल व्हाट द करी। थैंक यू, बाय।